तो चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट सीरीज 15, रीजनिंग टेस्ट सीरीज 15 स्टार्ट किया जाए। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें क्या लिख रहा है, ध्यान से देखिए। 2 है, 3 है, 5 है और उसके बाद बाबू 30 है। तो क्या हुआ इसमें, 2 × 3 6 × 5 कितना, तो 30, 3 × 4 12, 12 × 6 72, 72, 5 × 6 30 × 2 कितना, तो 60। यहाँ पर 5 है, 5 × 4 20 है, 20 × 0 कितना, तो 0। 0 से किसी भी संख्या में गुना कीजिएगा तो 0 ही प्राप्त हो, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर। क्लियर सबका, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने देखिए क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। 3.5 है और उसके बाद 7 है, तो 3.5 है और 7 है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस कितना करना पड़ेगा, 3.5 7 में और उसके बाद 10.5 है, तो फिर यहाँ प्लस कर दीजिए 3.5, फिर यहाँ पर क्या करिए प्लस 3.5, अब यहाँ से फिर से प्लस करेंगे 3.5 तो कितना हो जाएगा 7.5, सॉरी 17.5, आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 नंबर। क्लियर, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 ये बनाए आप लोग, देखिए क्या सब हुआ है। 7 है और उसके बाद 12, यहाँ पर बाबू प्लस क्या गया कितना 5 और यहाँ पर प्लस क्या हुआ, क्या चीज 7, यहाँ पर प्लस 9, फिर यहाँ पर प्लस 11, 5 जोड़े 7 जोड़े 9 जोड़े 11 जोड़े क्या जोड़ेंगे 13 जोड़ेंगे, 13 प्लस 13 कर दीजिए हो जाएगा कितना 52, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 नंबर। क्लियर है सबका, चलिए आगे बढ़ा जाए। 4 नंबर क्वेश्चन भी सीरीज ही है, ये बनाए हैं देखिए, 1 है और 3 है, यहाँ पर क्या हुआ प्लस 2, यहाँ पर प्लस 4, यहाँ पर प्लस 6, फिर यहाँ पर प्लस 8, यहाँ पर प्लस 10, तो 2 4 6 8 10 तो 12 और उसके बाद कितना, फिर 14, आंसर हो जाएगा 57, ऑप्शन 4 ऑप्शन 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, 125 और 5 है तो 5 का क्यूब कितना 125 है, 4 का क्यूब 64, 64 आंसर आपका 2 नंबर ऑप्शन। कुछ बोल रहे हैं, हाँ जी 4 होगा, ऑप्शन बी हो बोल रहे हैं। चलिए 22 है और 37 है, यहाँ पर क्या हुआ, बोल रहा है कि कौन सा अंक सही नहीं बैठता है, गलत संख्या का यहाँ पर पता लगाएंगे, तो 22 में 15 ऐड कर देते हैं तो बाबू कितना हो जाता है 37, 37 में फिर से 15 ऐड कर दीजिए कितना, तो 52, 52 में आप 15 ऐड कर दीजिए तो कितना 67, 67 में 15 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 82 होगा और यहाँ पर 84 लिखा है, या जो 84 जो है या क्या है गलत संख्या है। क्वेश्चन है, सम संख्या के बाद और विषम संख्या से पहले कितने हैं, सम संख्या के बाद और विषम संख्या से पहले कितने 8 हैं ये आपको बताना है। तो सम संख्या के बाद और विषम संख्या से पहले, सम के बाद विषम से पहले, सम के बाद विषम से पहले, सम के बाद विषम से पहले और अब नहीं, कुल मिलाकर के कितना हो गया 4 × 8 इतना है।
है आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है 8, ये बनाए आप लोग। दिए गए प्रतिरूप में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। बनाए जी, कितना आंसर आया? देखिए सबसे पहला चीज कि ये क्वेश्चन जो है बाबू बनाना है, 1 2 3 4, नहीं 3 4 ये हो गया 4, ये हो गया 4, ठीक है। इस तिरछा लाइन को हटा दिए हैं तो बाबू 1 2 3 4, 1 2 3 4, जब ऐसा सिचुएशन है तो आप क्या करिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू ये 3 0 30 यहाँ तक। अगर इसमें 5 5 है, इधर भी 5, रो में भी कॉलम में भी, तब आप 5 का स्क्वायर तक जोड़िए, 6 रहेगा तो 6 तक का जोड़ेंगे, ठीक है। अब रहा बात कि इधर से ये लाइन जो खींचा गया है, इसमें आप अगर ध्यान देंगे तो आपको यहां पर भी कुछ ना कुछ दिखेगा। ये देखिए एक दिखा, चार को और दिखा, कुल मिला के कितना हो गया 5, तो 3 0 30 और इधर है बाबू 5, तो 3 और 30 और 5 कितना हो जाएगा 35। ऑप्शन 3 नंबर, क्लियर सबका, कोई दिक्कत नहीं ना। ये बनाए हैं नहीं बनाए? बनाए। दो और तीन को ऐड कर दीजिए, नीचे वाला 2 और 3 को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? अब गुना कर दीजिए वाला 9 से, कितना हो गया? ठीक है, उसी प्रकार से 2 और 3 को ऐड कर दीजिए, 5 5 गुना 7 तो 35। यहाँ पर बाबू 36 हमको लाना है, 36 लाने के लिए 9 में 4 से गुना करेंगे तभी ना 36 आएगा। ये लिखा हमने यहाँ पर 5 5 प्लस 4 9 गुने 4 बराबर 36, क्लियर? ठीक है, सबको समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। आगे बढ़े बउवा, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 नंबर लिख रहा है। 10 नंबर में क्या क्वेश्चन है देखिए, कि 1 है 8 है 81 है और 343 है, तो इसमें क्या हुआ? थ्री क्या बोल रहे, ठीक है बोलिए ना, तब काम मना कर रहे हैं। 7 का क्यूब 9 का स्क्वायर 2 का क्यूब 1 का क्यूब, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो 1 का स्क्वायर नहीं है, जितना जितना 1 पर आप 10 पावर दे दीजिए तब भी 1 ही रहेगा, क्लियर। 1 पर पावर भी 3 है, 1 पर पावर 2 भी है, ये तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस तीनों में ये समानता है और ये जो है क्या है, अलग है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 भाग रहा था, ये बनाए हैं, क्या आंसर लाए आप लोग? 22 आंसर लाए, सही है, क्योंकि सारे के सारे 4 से पूर्णतः विभाजित हैं, 8ों से है, ठीक है, 8 से भी है जी विभाजित पूर्णतः, और ये वाला जो है ना तो 4 से विभाजित है ना ही 8 से, खाली 2 से विभाजित है, क्लियर। आंसर हो जाएगा इसका क्या, 22, ऑप्शन 2 नंबर, क्या से कर देते हैं, हमारा क्या लगता है? ये एक एक करके बोलिए, पहले 40 क्यों? फिर से बोलिए, समानता क्या मिल,
एक मिनट सोचना, थोड़ा सोचना। 40 भागा 5 बराबर 8, ठीक है। 32 जो है 5 से विभाजित नहीं, 22 जो है वह 5 से विभाजित नहीं है, और 48 जो है वो 5 से विभाजित नहीं है, ठीक है। नहीं है तो है क्या, समानता क्या है? विषम चुनिए का अर्थ क्या होता है? तब तो कोई कोई भी अंक बना देगा तो 22 को कर देंगे, 11 से विभाजित हो रहा है और कोई विभाजित नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं होता बाबू। इसका अर्थ होता है, विषम चुनिए का अर्थ होता है कि तीन ठो विकल्प में कुछ ना कुछ समानता हो, चाहे वो जो भी समानता, वो समानता मिलने के बाद तब जो है एक जो है वो विषम अपने आप हो जाए, बात समझे, तब वो एक ऑटोमेटिक विषम हो जाए, तो तब उसको क्या करना, आंसर के रूप में लिखना। आप कुछ बोल रहे सर, ये 5 प्लस जोड़ देंगे 5 आएगा, ये सब को जोड़ेंगे तो ये विषम आएगा, ये सब सम आएगा। ठीक है, तीन और दो को जोड़ दिए तो 5 हो गया, यहाँ पर आप जोड़े तो 4 हो गया, यहाँ पे जोड़े तो 4 हो गया, यहाँ पर जोड़े तो 12 हो गया, यही ना। आप ऐसे कहा ही नहीं थे कि सब सिंगल डिजिट में आया, ये डबल डिजिट में आया। बात समझ ना रहा मेरा, ठीक है। सबसे पहला चीज हम बाबू क्या हम कहें आप लोगों को, बार बार बोलते हैं, एक बार फिर बोलते हैं, अभी फिर हम एक बार बोलेंगे, तीन में समानता मिलाना है, तीन में समानता मिलने के बाद चौथा जो कहेगा गाना हम उसमें नहीं रहेंगे, उसको आप अलग छांट दीजिए। तो आपने ये दिमाग लगाया, ठीक है, हम चलिए सही कह देते थोड़ा देर के लिए। अब अगर बात इसमें ये आ जाता कि सर इसको आप 1 और 2 को जोड़ दीजिए तो 3 ये भी हो जाएगा, ठीक मतलब कर, तब तो अब 2 गो सम संख्या, 2 गो विषम संख्या होगा। इस चक्कर में आपने क्या किया पता है आपको, इसका जो ओरिजिनल जो वैल्यू है 48 40 22 32 उसको आप खत्म कर दिए। ऐसा नहीं है कि खत्म नहीं किया जाता है, खत्म कर सकते हैं आप। सबसे पहला चीज प्रश्न के अस्तित्व को बिना बदले हुए यदि बनाएंगे, मतलब कि 32 को 32 रहने दीजिए, उसी हिसाब से बनाइए, नहीं देगा तब आप उसका रूप बदल सकते हैं। बात समझ में आ रहा, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने लिखा हुआ थोड़ा दिन के लिए कि एम डब्लू ई, और एक छोड़ दे देते हैं, ठीक है। अब आप इसमें कहिएगा कि सर इसका आंसर ई होगा, तीनों कॉन्सोनेंट है, ई भावेल है, क्या कोई दिक्कत इसमें? आपका आंसर सही होता अगर आप डिस्कशन में नहीं आते तब, ठीक है। आए हुए था सीख लीजिए कि भावेल वाला आंसर बोर्ड उसी स्थिति में मान्य करता है जब हुआ प्रश्न किसी दूसरे तरीके से नहीं बनता, ये हम बोर्ड का बात कर, ठीक है। बोर्ड हमको ये बात कहने नहीं आया, इतना क्वेश्चन हम देखे, इतना क्वेश्चन हम बनाए, उससे हमको ये बात का एहसास हुआ कि भोवेल वाला तरीका दूसरा तरीका जब मैच करते हैं तो दूसरा तरीका वाला वो आंसर दे देता है, भोवेल वाला को आंसर छोड़ दिया। कोई दूसरा ऐसा भी क्वेश्चन होता है जिसमें भवेल वाला आंसर देता है, तो जब हम उसमें कोई दूसरा दिमाग लगाने का कोशिश करते हैं तो वो सारा निरर्थक हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। तो सर अब इसमें आंसर क्या लगेगा, एम में 1 2 3 4 चार रेखा, डब्लू में 1 2 3 4 रेखा, ई में 1 2 3 4 रेखा, एफ में 1 2 3 रेखा, इसीलिए इसका आंसर एफ हुआ।
मैंने प्रश्न के अस्तित्व को नहीं बदला, मैंने इसके रूप को बदला ही नहीं, ठीक है, बात समझ में आ रहा। अब आप इसके रूप को बदलते हैं या हम ही इस रूप को बदलते हैं, जैसे 13, 23, 5, 6 सर ये सारा विषम स्थान वाला लेटर है या विषम नंबर है और ये सर सम नंबर है, एक्सप्लेनेशन मान्य नहीं होगा। आंसर बाय मिस्टेक आपका सही हो गया क्योंकि बोर्ड जो है एक्सप्लेनेशन नहीं मांगता आपसे, वो खाली देखता है गोल का रंगल है कि ना, माउस यहाँ पे बटन ए बी सी डी में टिपा हुआ है कि नहीं, क्लिक किया हुआ है कि नहीं, उसको तो कंप्यूटर को तो भी पता नहीं है भैया कि कौन तरीका से किया था, कहीं चप्पल वाला मोबाइल फोन लगा के तो नहीं आया था, बात समझ में आ रहा मेरा, ठीक है। तो ये सारा सिचुएशन है, अब आप किसी क्वेश्चन को इस रूप में बदल करके बनाते, आंसर भले ही यही आ रहा है लेकिन आपका आंसर मान्य नहीं है, और अगर आप इस रूप में ही इसको बना रहे तो आंसर मान्य हो जा रहा है, बात समझ में आया, कुछ एक्स्ट्रा चीज समझ में आया, सीखा नहीं आया, तो यही चीज है बाबू, आप इसके एक्चुअल रूप में रखिए ना, जब एक्चुअल रूप में यह है आंसर दे ही रहा है तो आप उसके रूप को क्यों बदलने में लगे हुए। हाँ जब यह 32, 22, 40, 48 बन करके हमारा आंसर नहीं दे पाता तब हम इसके रूप को बदलते और तब सब कहता कि ठीक है बदलो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। और किसी को कोई ऑब्जेक्शन है इसमें, आगे बढ़ सकते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर है बाबू 12। इसमें हम बोले आप लोगों को जहां पर सबसे ज्यादा लेटर होगा उसको बेस मानना है और उसके अगल बगल में जितना भी खाली जगह होगा उसको भर देना। तो तीन गो बी के बाद एक तो ए देखने को मिला, तो यहाँ पर भी तो बाबू तीन गो बी होगा, तीन गो बी के बाद हमको दो ठो ए देखने मिल रहा तो हम भी दो ठो ए बना दिए, जब हम दो ठो ए बनाए तो हमको पता चला यहाँ तो तीन गो ए हो गया, तो हमको भी यहाँ पर कितना ए बनाना पड़ा, तीन ए बनाना, यानी कि तीन ठो बी के पहले तीन ठो ए, तीन ठो बी के पहले कितना ए, तीन ए, क्लियर, यानी कि आंसर हो गया ए बी ए और ए, ठीक है, ए बी ए ए ऑप्शन बाबू दो नंबर, क्लियर है कि डाउट है किसी को, आगे बढ़े। हाँ एक क्वेश्चन बनाए हैं, कोई नहीं बनाए हैं, ये आएगा भी आएगा, डिलाइट का मतलब होता है बाबू विस्तार, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, मतलब कहते हैं ना कि सर अभी हम जो है रेलवे में ज्वाइनिंग कर अगर लेते हैं तो क्या हमसे कोई कागज उगज भी सिग्नेचरों कर पाएगा, बहुत करवाएगा, एक तो दूसरों का बात क्या करते, बहुत सिग्नेचर करवाएगा, तो उसमें सर कहीं कॉन्ट्रैक्ट वाला बात भी लिखा हुआ रहता है क्या, हमको तो बाबू नहीं पता पर्सनली हम अपने बारे में, लेकिन एक बात हम जानते हैं, यदि मान लीजिए आप ग्रुप डी पोस्ट पे ज्वाइनिंग किए या एएलपी पोस्ट पे ज्वाइनिंग किए या आप एनटीपीसी में कोई भी पोस्ट पे ज्वाइनिंग किया या किसी बैंक में ज्वाइनिंग किया या एसएससी के थ्रू किसी दूसरे जगह पर जाकर के आप ज्वाइन किए और मान लीजिए बिहार दरोगा में भी आपका हो गया, ठीक है, बिहार दरोगा में आपका हो गया चाहे कोई भी चीज, आप उस जॉब को एक 6 महीना साल भर के अंतराल में ही या 1 साल के अंतराल में ही आप उस जॉब को छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, आप उस नौकरी को छोड़ना चाह रहे हैं, कौन नौकरी को, जो नौकरी आप पहले ज्वाइनिंग कर चुके हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, आपकी जो भी दूसरा कारण रहे उससे कोई मतलब ना, हम घर पर बैठेंगे दूध चुराओ खाएंगे बढ़िया से, हमारा माँ बोली है छाली रोटी यहीं बैठ के खाओ दूसरा जगह काम कर लेना चाहो, ठीक है वही करो कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा मेरा, या आपका गांव घर में ही कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं या गांव घर में ही आप कोई काम शुरू कर रहे हैं या फिर गांव घर का ही नौकरी आपको मिल गया, किसी भी कारण से यदि 6 महीना साल भर 1.5 साल के अंतराल में यदि आप उस नौकरी को
त्याग दे रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं इस्तीफा दे रहे हैं, तो आपको बाबू जितना सैलरी मिला वो लौटाना पड़ेगा, साथ ही साथ हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी आपको लौटाना पड़ेगा। बात समझ में आया? बस कह रहा है ना, इतना झूठ बोल रहे हैं हम, ऑनलाइन चल रहा हमारे मन ठंडा करते हैं, ठीक है? बात समझ में आया? और ये चीज जो है हम एक मतलब नजदीकी व्यक्ति के साथ देख भी चुके हैं, संजय सर के छोटे भाई, वो पहले बैंक क्लर्क उनका ज्वाइनिंग हुआ था शायद हरियाणा साइड में कहीं पर, तो बैंक क्लर्क में था तो ठीक ही थे, चलो हरियाणा थे तो वो भी ठीक ही थे, सैलरी वैलरी मिलता होगा, जो भी मिलता होगा जैसे भी मिलता होगा जो भी थे। उसके बाद क्या हुआ तो बिहार में मध्य प्रदेश बिहार ग्रामीण बैंक में उनका क्लर्क में हो गया, और वहां पर मुश्किल से 6-7 महीना हुआ था। अब सोचे कि करना है क्या, पैसों नहीं देना चाहते थे, मतलब लौटाने वाला सिस्टम तो आ गया, पैसा भी नहीं देना चाहते थे और जॉब को त्यागना भी चाहते थे, हार के ही हार के भैया अब जो जो है सो है, देना तो पड़ेगा ही, और फाइनली देना पड़ा, घूस नहीं देना पड़ा, सरकार को लौटाना पड़ता है, बैंक को लौटाना पड़ा, तो लोग घूस के बारे में मत सोचते रहना, ठीक है? बात समझ में आया? एनओसी जो मिलता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसके लिए आपको उतना पैसा रिफंड करना पड़ा जितना आपने सैलरी लिया था और शायद कुछ एक्स्ट्रा। क्लियर? आइए यहाँ पर, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक प्रकार का अनुबंध है। तो कहते हैं ना कि कोई प्राइवेट नौकरी में या कहीं पर भी, सर हमसे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहा है, क्या चीज का जी? सर हम जा रहे थे अच्छी करने के लिए, वो आईटीआई वाला एक तो करता है, क्या ना कहते हैं उसको, अप्रेंटिस, अप्रेंटिस सर करने गए थे, जा रहे थे, हो गया था हमारा, तो बोला कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सर हम पूछे कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट में अगर हमको ग्रुप डी में रेलवे में कहीं नौकरी हो गया था, तो बोला कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप नौकरी नहीं कर सकते, हमको परीक्षा देने दीजिएगा कि नहीं, तो जब कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप नौकरी नहीं कर सकते तो परीक्षा देने कहीं देंगे, यानी कि 2 साल तक सर हम सिर्फ अप्रेंटिस कर सकते हैं, घर आ सकते हैं, लेकिन जो है फॉर्म हमको एग्जाम देने के लिए छुट्टी भी नहीं देगा, तो क्या उस कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करें? बात समझ में आया? क्या उस कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करें? तो बाबू वह आपके एरिया को एक क्षेत्र में बांध रहा है कि नहीं बांध रहा है, आप सोच लीजिए, आपको एक क्षेत्र में बांध रहा है ना, इसका मतलब है कि डिलाइट मतलब विस्तार, तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या क्या होता जी? भाई अनुबंध तो हो ही गए करना, सिकुरना ये हो गया बाबू, इसका क्या चीज अपोजिट वर्ड। उसी प्रकार से इनलार्ज मतलब जो है इसका, इसका मतलब ही होता है विस्तार, और इसका हो जाएगा श्रिंक, श्रिंक मतलब हो जाता है बाबू सिकुरना, ठीक है? इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। समझ में आया? जबकि यहाँ पर जो है एक्सटेंड, एक्सपेंड का मतलब भी विस्तार ही होता है, इसका विडन का मतलब भी विस्तार ही होता है, विडन, और ये होता बाबू क्रूशियल महत्वपूर्ण, ठीक है? श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ना। अब रहा बात कि सर चलिए ठीक ही था, क्वेश्चन तो मोटा मोटी आप समझा ही दिए हैं, कोशिश करेंगे ये क्वेश्चन आए तो आंसर श्रिंक लगा देना, लेकिन सर गारंटी तो है नहीं यही क्वेश्चन आएगा, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि आप इंग्लिश मीडियम में ये वाला क्वेश्चन दिए हैं तो इसका अर्थ क्या समझे कि हिंदू हिंदी वाला में हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, आप प्रश्न को पहचान लीजिए, जब बाबू प्रश्न रहे कैपिटल लेटर में तो इसका अर्थ हो गया वो हिंदी में भी कैपिटल लेटर में यही रहेगा और इंग्लिश में भी यही रहेगा, ये फिक्स है, और अगर स्मॉल लेटर में डी आई एल ए टी दिया हुआ होता तो उसका अर्थ आप ये समझ लेते कि वह हिंदी में लिखा हो रहा था और इंग्लिश में डिलाइट लिखा हुआ। क्लियर? समझ में आ गया? अब आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आइए इधर 14 नंबर सवाल में, 3 है 4 है 9 है 16 है 81 है 258 है, गलत संख्या का चुनाव कीजिए। कौन है जी गलत संख्या? 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256, यानी कि 258 जो है वह क्या है? गलत संख्या है। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 258 लिखा हुआ है, इसीलिए 258 जो है गलत संख्या है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 14 में आई। हाँ जी ठीक, 15 नंबर सवाल, एल एम एन ओ पी में से सबसे कम लंबा कौन है? और ये क्वेश्चन है बाबू डाटा सफिशिएंसी का, ठीक है, मैथ्स में भी डाटा सफिशिएंसी पूछता है, तो उसमें मैथ्स का क्वेश्चन परसेंटेज से रहेगा, एलसीएम एचसीएफ से रहेगा, ठीक है, मतलब ऐसे ही सीआई सबसे ही रहता है। और यहाँ पर जो है रीजनिंग में भी डाटा सफिशिएंसी होता है, जिसमें आपका कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछ देगा, कोडिंग डिकोडिंग से भी पूछ सकता, मतलब कोई भी चैप्टर, सारा चैप्टर से डाटा सफिशिएंसी में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप यहाँ देख लीजिए रैंकिंग का सवाल है, ओ पी से लंबा है, ओ पी से बाबू लंबा है, लेकिन एन से लंबा, लेकिन एन से लंबा है, इससे कम लंबा, अच्छा ओ पी से कम लंबा है, वो जो है ओ पी से कम लंबा है लेकिन एन से लंबा, ठीक है, तो इतना में तो नहीं पता सबसे कम लंबा कौन है, एम एल जितना लंबा नहीं है, एम जो है वह एल जितना लंबा नहीं, तो ठीक है, सबसे कम लंबा कौन है या सबसे अधिक लंबा कौन है पता चला कुछ नहीं, यानी एक नंबर जानकारी दो नंबर जानकारी दोनों ऐसे ही व्यर्थ है, कोई आंसर पता नहीं चला, ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर है 16, 5 मित्र लीना अमित अरुण अली और केन एक वृत्ताकार मेज के गिर्द बैठे हुए हैं और इनके मुंह केंद्र की ओर है, बहुत अच्छा, ये बाबू इधर गया दाहिना हाथ और ये इधर गया क्या थे बायां हाथ, अब देखिए लीना अमित के बाएं को दूसरी स्थान पर बैठी है, अमित के बाएं को पहले बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, लीना, अमित का मुंह केंद्र की ओर है, बहुत अच्छा, वैसे तो सबका क्या इनके मुंह केंद्र की ओर है, किसका मुंह केंद्र की ओर किसका मुंह केंद्र की ओर नहीं है ये आपको बताना है, आपको ये बताना कि सबका मुंह जो केंद्र की ओर है कि नहीं है। दूसरा अरुण लीना के दाएं को दूसरा है, लीना के दाएं को पहला दाएं को दूसरा, दाएं को पहला दाएं को दूसरा तो नहीं हो सकता है, इधर दाएं को दूसरा इधर नहीं हो सकता है, तो ये तो हुआ केंद्र वाला का दाया, जैसे हम इधर देख रहे हैं तो दाया इधर बाया इधर, और हम बाहर की ओर देख रहे हैं तो दाया इधर बाया इधर, ठीक है, तो यहाँ पर बाबू क्या लिखा है, अमित का मुंह केंद्र की ओर है, अरुण लीना के दाएं को दूसरी, तो लीना के दाएं को पहली दाएं को दूसरी, यहाँ पर अरुण है तो इसका चेहरा किधर होता है, बाहर की ओर, एक का चेहरा अंदर एक का चेहरा बाहर, प्रश्न में पूछ रहा क्या इनके मुंह केंद्र की ओर है, हमको इस जानकारी से पता चला कि इनके मुंह केंद्र की ओर नहीं है, किसी का मुंह अंदर है किसी का मुंह बाहर है, तो बताइए यह अकेला जो है इस बात का आंसर देने के लिए सही है कि नहीं, नहीं है, यहां जो आपसे पूछ रहा है क्या उनके मुंह केंद्र की ओर है, तो क्या इस कथन से क्या इस कथन से इस सवाल का जवाब आपको मिल रहा है, हाँ कि ना, नहीं मिल रहा जवाब आपको, मतलब हम आपसे पूछेंगे कि क्या बउवा खाना खाए हैं, हाँ सर खाना खा कर क्या है, फिर हमने आपसे पूछा क्या बउवा खाना खा कर क्या है,
नहीं सर खाना खा करके नहीं आए, हमको तो दोनों जवाब मिला ना जी, मतलब खाना खा के आइएगा तब कहिएगा हाँ खाना खा के आए, तब ये तो सही जवाब हुआ। खाना खा करके नहीं आए तो सही जवाब आपने नहीं दिया, झूठ बोला क्या आपने, बात समझ मारा मेरा। यहाँ पर जो ये जो बोल रहा क्या उनके मुंह केंद्र की ओर है, आप बोलिएगा ना कि उनका मुंह, इस कथन से हमको जो पता चला है इससे यही पता चला कि उनका मुंह केंद्र की ओर नहीं है, ये बात तो ठीक ना है, क्या गड़बड़ लग रहा है आप लोगों को, आप बताइए लाल जी से बगल में। हाँ हाँ बोलिए, पहला ऑप्शन पर्याप्त लिखा हुआ नहीं है, ऑप्शन से मतलब क्या आंसर मिल रहा है ना। हाँ ठीक है, निष्कर्ष में कहाँ लिखा हुआ पहला का पर्याप्त, दूसरा हम बना लिए, दो गो कथन है ना जो उसमें एक और दो, अभी तो एक ही जो में विवाद हुआ है तो उसमें पहले सेटिस्फाइड हो गए तभी ना आगे बढ़ेंगे, हो सकता है उसका आंसर हो जाए दोनों पर्याप्त, सॉरी दोनों आवश्यक है, चाहे ये हो ये भी तो हो सकता है, पहला से आंसर आ गया ये ठीक है, अब उसके बाद दूसरा पढ़ सकते हैं हम, तो अगर मान लीजिए ये वाला आंसर आ जाए थोड़ा देर के लिए एक नंबर, इसमें क्या लिखा है कि एक या दो से आपका आंसर आ सकता है, मतलब इसका हुआ कि अकेला आपके प्रश्न का आंसर देने के लिए अकेला कथन एक सही है और अकेला कथन दो भी सही है, उसका अर्थ ये होता है। अब बात समझ में आया, आगे बढ़े, और किसी को ऑब्जेक्शन है इसमें, यहां जो प्रश्न में पूछ रहा बाबू कि अनिल लीना अरुण अली केन इन सब का मुंह जो है केंद्र की ओर है, तो हमको इस बात से पता चल गया कि उनका मुंह केंद्र की ओर नहीं है और यह बात बिल्कुल ही सही है, इससे यहां और नहीं का बात पूछने में इसने बोला कि वह नहीं है, यानी कि वह बिल्कुल ही सही बोल रहा है। अब दूसरा, अली केन के बाएं को तीसरे स्थान पर, चलिए इसको हटाते हैं, एक दो तीन चार पांच, ये फिर देखिए इधर अंदर वाले के लिए दाएं और ये बाएं, बाहर वाले के लिए फिर दाया बाया उलट देंगे, तो क्या लिख रहा, अली केन के बाएं को तीसरे स्थान पर, केन के बाएं को पहला, बाएं को दूसरा, बाएं को तीसरा, हाँ क्या लिख रहा है देखिए, अली केन के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा, केन का मुख केंद्र की ओर है, ये चलिए हमने यहाँ पर केन का मुख केंद्र की ओर दिया, और अब क्या लिख रहा है, अली केन के बाएं को तीसरे स्थान पर, तो बाएं ऐसे न है, केन के बाएं को पहला, केन के बाएं दूसरा, केन के बाएं को तीसरे स्थान पर कौन है, अली है, अभी तक पता चल रहा कि अली केन का मुंह अंदर की ओर है और सबका मुंह किधर है वो आप आगे पता चलेगा, अमित अली के बाएं बगल में, अमित जो है अली के बाएं बगल में, तो अमित इधर भी हो सकता है और अमित बाबू इधर भी हो सकता है, कहा है सर, अगर अमित अली का बाया इधर हुआ इधर, अली का बाया इधर हुआ इधर, क्या अभी तक तुमको इसका क्लियर नहीं ना, आगे लिख रहा है अमित अली के बाएं बगल में बैठा है पर केन अमित के अमित की बगल में नहीं बैठा, केन जो है वो अमित के बगल में नहीं बैठा, इसका मतलब अमित यहाँ पर नहीं होगा, और जब अमित यहाँ पर नहीं होगा इसका मतलब अली का चेहरा किधर हो गया, बाहर की ओर हो गया, तो हमसे प्रश्न में पूछा क्या उनके मुंह केंद्र की ओर है, तो हमने बोला कि देखिए साहब दो नंबर जानकारी जब हमने पढ़ा ना तो हमको पता चला कि केन का मुंह अंदर की ओर है लेकिन अली का मुंह बाहर की ओर है, तो अच्छा इसका मतलब हुआ उसमें से बाहर की तरफ मुंह वाला आदमी भी है, तो जी हाँ, तो
तो तुम क्या कहना चाहता, क्या उनके मुंह केंद्र की ओर है? तो नहीं साहब, सबका मुंह केंद्र की ओर नहीं है। तो यह कथन जो है आंसर देने के लिए उचित है कि नहीं है? उचित है। तो ये वाला भी अकेला आंसर दे रहा है और ये वाला भी अकेला आंसर दे रहा है, इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका एक या दो पर्याप्त है। ऑप्शन क्लियर, ठीक है सरकार, मिटा दिया जाए। अठारह नंबर जानकारी को ध्यान पूर्वक देखा जाए क्या क्या लिख रहा है इसमें, ए बी सी डी। हाँ जी, सत्रह, अच्छा सत्रह इसी में सकलेट है। हाँ जी सत्रह में आइए। क्या टी ग्रैंड मदर है, क्योंकि अब आपसे पूछ रहा है कि टी जो है वह ग्रैंड मदर है कि नहीं, अब आप बताइए टी जो है वह ग्रैंड मदर है कि नहीं है। तो ग्रैंड का मदर का मतलब क्या होता है? ग्रैंड मदर का मतलब होता है नानी या दादी, ठीक है, नानी या दादी है कि नहीं वो बताइए। तो पी की, पी क्यू की माँ है, पी क्यू की माँ है, क्यू आर का बेटा है, क्यू जो है पुत्र है किसका, तो आर, आर टी का पुत्र है, आर पुत्र है किसका, तो टी का। तो क्या टी ग्रैंड मदर है क्योंकि, तो बाबू क्यू का माता या पिता जो भी हो इसका तो लगता तो है, लेकिन टी का जेंडर ही क्लियर नहीं है कि पुरुष है कि स्त्री है, ये हमें इस जानकारी से प्राप्त नहीं हुआ। क्लियर, समझ में आया कि टी का जेंडर क्लियर है, माँ के बाप है, दादा के दादी है, नाना के दादी, खत्म। अब आगे एल, एल का पिता है, एल किसका पिता है, एल पिता है बाबू एन का, एल एन का पिता है और एन टी की बेटी है, और एन जो है और टी की बेटी है, बहुत बढ़िया। तो टी कौन है, मम्मी की पापा, पापा की माँ, पिता की माता, पता है। बेटी तो पिता की भी होती है, बेटी तो माता की भी होती है, बेटा तो पिता का भी होता है, बेटा तो माता की भी होती है। तो क्या पता चल रहा है इसमें, इसका अर्थ हुआ एक नंबर जानकारी दो नंबर जानकारी दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्लियर, आगे बढ़े, मिटा दे कि रहने दे। अठारह में आइए, हाँ जी लिख रहा है, बिंदु ए बिंदु बी से किस दिशा की ओर है, बिंदु ए जो हुआ बिंदु बी से किस दिशा की ओर, बताइए। यदि एक व्यक्ति बिंदु ए से चार मीटर उत्तर की ओर चलता है तथा दो बार लगातार दाएं मुड़ता है, प्रत्येक चार मीटर चलने पर सी पर बिंदु पर पहुंच जाता है जो कि बिंदु बी से आठ मीटर दूर है। देखिए हम इसको एनएसडब्ल्यू से भी बना सकते हैं, लेकिन चूंकि इसमें आप लोग जो बाद में करिएगा विवाद, ठीक है ना, क्योंकि तो एक लाइन जो इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया है ना वो बाबू विवाद कर देता है, इसीलिए हम इसको रेखा खींच करके समझाना। यदि एक व्यक्ति बिंदु ए से चार मीटर उत्तर की ओर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एक व्यक्ति बिंदु ए से चार मीटर उत्तर की ओर, बिंदु ए से चार मीटर उत्तर की ओर चलता है, दो बार लगातार दाएं मुड़ता है, एक बार दाएं दो बार दाएं, प्रत्येक चार मीटर चलने के बाद, ये चार मीटर चलता है, बिंदु सी पर पहुंच जाता है, चार मीटर पूर्व दिशा में हो गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न ने पूछा बिंदु ए बिंदु बी से किस दिशा में है, कोई जानकारी है? अब लिखा है सी पर पहुंच जाएगा, चलने के बाद सी पर पहुंच जाएगा जो कि मतलब सी बिंदु बी से आठ मीटर दूर है, सी जो है बिंदु बी से क्या आठ मीटर दूर है, तो सी जो है वह बिंदु बी से आठ मीटर दूर है, सी जो है वह बिंदु बी से आठ मीटर दूर है, सी जो है
वह बिंदु बी से चार चार आठ मीटर दूर है। सी जो है वह बिंदु बी से आठ मीटर दूर है, तो बताइए कि बी और बी किधर। प्रश्न पूछा है ए बिंदु ए बिंदु बी से कितनी दूरी पर पूछता ना, ऐसे में कुछ निकलता आंसर, ऐसे में कुछ निकलता, ऐसे में कुछ निकलता, दूरियों का निकाल लेती आप। इसमें क्या होता है, इसमें चार 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 मीटर का दूरी, इसमें चार आठ बारह मीटर का दूरी, इसमें कर्ण निकाले चार और आठ का, दूरी भी नहीं निकलेगा। तो जितना जानकारी है उस हिसाब से हम इस प्रश्न का उत्तर एक नंबर जानकारी से तो नहीं दे सकते। क्लियर, आगे बढ़े। जानकारी नंबर दूसरा, बिंदु ए के पूर्व में दो मीटर दूर बिंदु डी है। तथा बिंदु बी के पश्चिम की ओर चार मीटर दूर, तथा जो है बिंदु बी के पश्चिम की ओर चार मीटर दूर है कौन, तो डी। बिंदु ए के पूर्व में, बिंदु ए के पूर्व में दो मीटर दूर बिंदु डी है, बहुत बढ़िया। तथा, तथा का मतलब होता है ए से, तथा यानी कि ए बिंदु बी के पश्चिम की ओर चार मीटर दूर है। ए जो है बिंदु बी के पश्चिम की ओर, बिंदु बी के पश्चिम की ओर चार मीटर के दूरी पर है। तो यानी कि ये तो डायरेक्ट हमको पता चल गया कि बी से ए किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, कितना दूरी पर है, चार मीटर के दूरी पर। यानी कि एक नंबर जो जानकारी वो प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त, और अकेला दो नंबर हमारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त, आंसर ऑप्शन बी। क्लियर, खत्म कर मिटा दे, लिखना है, लिखना हटा दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए, तो जल्दी बोलिएगा। हाँ एन टी की पुत्री है, एन टी की पुत्री है, एन का पिता। हाँ एल एल का पिता है, एल पिता है किसका, एल का, और एन टी की पुत्री है, एल जो है वो टी की कौन है, एक मिनट, हाँ देख लेते। एल एल का पिता एल, पिता है एल का, और एन टी की पुत्री है, तो एन जो है वो बेटी है किसकी, तो टी की बेटी है। हाँ ठीक है, माता हो जाएगी, मदर पूछ रहा, ग्रैंड मदर। क्या हाथी फीमेल हो गई, कैसे टी ग्रैंड मदर है, क्योंकि क्यों कहा है इसमें, अच्छा ऊपर से कनेक्ट कीजिएगा किस बेस पर, यानी कि आर टी का पुत्र है। अच्छा एक मिनट देख लेते हैं, आर जो है वह टी का पुत्र है, ठीक है हो गया, आर टी का पुत्र, और रुकिए रुकिए, क्यू आर का पुत्र है, और क्यू जो है वो आर का बेटा हो रहा है, ठीक है, पी क्यू की माँ है, और पी जो है वह क्यू की माँ हो रही है, हाँ जी, तो टी जो है वह क्यू का दादी, हाँ जी हो रहा हो रहा, एक नंबर और दो नंबर मिलकर के आंसर दे देगा, इसका आंसर चार नंबर हो जाएगा, ठीक है, एक और दो दोनों मिलकर के आंसर दे रहा है, सही है।
चलिए आगे बढ़े आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 17 के बाद 18 के बाद 19। भारत के कितने भाई हैं? भारत ने बताएगा जी। तो भारत की मां शीला के 3 बच्चे हैं। भारत की जो माता है शीला, उसके 3 बच्चे हैं। तो शीला के 3 बच्चे हैं, जिसमें से एक तो भारत हो गया, दूसरा और तीसरा का पता नहीं। भारत की ग्रैंड मदर मीना, यानी कि भारत की दादी के एकमात्र, सॉरी, भारत की ग्रैंड मदर मीना के मात्र एक नतनी या पोती है, यानी कि भारत के दादी या नानी को, चलिए दादी ये मान के रखिए, भारत के दादी को जो है एक ही तो पोती है, यही पोती हो गई, यही कौन होगा, पोते न होगा। इसका मतलब है कि भारत के कितने भाई हैं? भारत को एक तो भाई है। क्लियर? एक नंबर जानकारी और दो नंबर जानकारी दोनों मिलकर के प्रश्न का उत्तर देंगे, पर्याप्त है। आगे बढ़े। बीस से बाईस बनाए थे जी, देखिए क्या क्या लिख रहा है। एक बिल्डिंग में 7 नंबर की मंजिल इस तरह है कि भूतल नंबर 1 है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। भूतल क्या है? नंबर 1 है, इसके ऊपर नंबर 2 और इसके ऊपर का क्रम बढ़ता है। सबसे ऊंची मंजिल नंबर 7 है। हर एक मंजिल पर 7 लोग ए बी सी डी एफ जी अलग अलग व्यक्ति रहते हैं। ए चौथी मंजिल पर रहता है, ई एफ की मंजिल से एकदम नीचे की मंजिल पर रहता है, एफ दूसरी या सातवीं मंजिल पर नहीं रहता। एफ ना तो 7 पे रहेगा और ना ही एफ 2 पर रहेगा, ठीक है, एफ दूसरी या सातवीं मंजिल पर नहीं रहता। जी किसी विषम नंबर वाली मंजिल पर नहीं रहता है, जी जो है विषम नंबर वाली मंजिल पर नहीं रहता, इसका मतलब सी रहेगा, सी यहां भी रह सकता है, यहां तो नहीं रहेगा, सी यहां रह सकता है, यही दो छोटे जगह हो सकता है सी को रहने के लिए, सी विषम मंजिल पर नहीं रहेगा, तो यही दो जगह न रहेगा। अब यहां के बाद सी विषम मंजिल पर नहीं था, सी की मंजिल के एकदम ऊपर या नीचे की मंजिल पर बी नहीं रहता, पर बी नहीं रहता, सी के एकदम ऊपर या एकदम नीचे बी नहीं रहेगा, सी के एकदम ऊपर या एकदम नीचे बी नहीं रहेगा, बहुत बढ़िया। डी सबसे ऊपर की मंजिल पर नहीं रहता है, यहां पर आप बोल रहा हम डी की हम भी नहीं रहेंगे, जी ई की मंजिल से नीचे की किसी भी मंजिल पर नहीं रहता है। अब जी जब भी रहेगा ई की मंजिल से ऊपर न रहेगा, क्योंकि ई से नीचे वो कहीं नहीं रहेगा, और ई से जस्ट ऊपर एफ, इसका मतलब एफ से ऊपर कौन रहेगा, जी। अब अगर हम जी ई एफ को लेकर के चलते हैं, तो जी ई एफ इसमें तो सेट नहीं कर सकता है, काहे सर यहाँ तीनों तो सेट कर ही जाएगा, बाबू इसलिए नहीं सेट कर सकता क्योंकि जी यहाँ पर गड़बड़ा रहा ना, कि तीनों लगातार यहां नहीं सेट करेगा, लेकिन तीनों लगातार यहां तो सेट कर जाएगा ना, इसलिए यहां पर कौन जी, यहां पर कौन एफ और यहां पर कौन ई, ठीक है। अब बात आया बी का, तो बी के बारे में बोला गया था कि वह सी के ना तो ऊपर रहेगा ना नीचे, और हम बी या तो यही दे सकते हैं नहीं तो यही दे सकते हैं, इसका अर्थ हुआ कि ये एडजस्टमेंट तो गया, आप साहब चले जाइए यहां जरूरत नहीं है।
ठीक है। अब रहा ये, अब है कि GEF यहां सेट नहीं करेगा, ऊपर सेट करना पड़ेगा। तो GEF में दिक्कत क्या है, अगर हम G को छोड़ दे, F और E तो यहां लिख ही ना सकते हैं जी, F यहां पर, E यहां पर कि नहीं लिख सकते, क्योंकि तीनों तो ऊपर सेट नहीं करता, तो दो को यहां सेट कर गया, ये वो ऊपर कहीं चला जाए। अब बोल रहा है कि C बोला कि ठीक है बैठा दिया सबको, तो अब सुन लो कि बी को हम अपना अगल बगल में आने नहीं देंगे कहीं भी, ना तो ऊपर बी को आने देंगे ना ही नीचे को बी को आने देंगे, लिख रहा यहाँ पर आगे सी की मंजिल के एकदम ऊपर या नीचे बी मंजिल बी पर नहीं रहता, ना तो ऊपर रहेगा ना तो नीचे रहेगा, तो बी यहाँ नहीं रह सकता, बी यहाँ नहीं रह सकता, तो बी को यहाँ लगा दिया जाए। अब डी अलग रोना रो रहा है, कुछ भी हो जाए हम सबसे ऊपर नहीं जाएंगे, तो ठीक है डी महाराज आप यहाँ आ जाइए, जीप और गॉड को यहां लगा दिया जाए, क्लियर। प्रश्न में है सबसे ऊपर की मंजिल पर कौन रहता है, जी रहता है, डी की मंजिल के एकदम ऊपर कौन रहता है, डी की मंजिल के एकदम ऊपर कौन रहता है, तो सी रहता है। निम्नलिखित चार में से तीन किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है, आपको यह बात बताना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एफ एफ तीसरे नंबर पर, डी पांचवे नंबर पर, बी ई एक नंबर पर, और सी सब विषम पोजीशन वाला, सम पोजीशन वाला आंसर हो गया। बाईस के बाद क्या है, एक और है बेटा, दे उसको गिराने दे, ये वाला हटा दिया जाए, चल यहां देखिए क्वेश्चन हमारे पास, डायरेक्शन डिस्टेंस का, चलिए क्वेश्चन में देखें क्या क्या हो रहा है। बिंदु पी बिंदु क्यू के पूरब की ओर 9 मीटर, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, बिंदु पी बिंदु क्यू के पूरब, बिंदु क्यू के पूरब में नौ मीटर कौन है जी, बिंदु पी है, हो गया। बिंदु आर बिंदु पी के दक्षिण में 5 मीटर, बिंदु आर, बिंदु एस बिंदु आर के पश्चिम में 3 मीटर, 3 मीटर बिंदु एस, बिंदु टी बिंदु एस के उत्तर में 5 मीटर, एस के उत्तर में 5 मीटर, इसका मतलब टी फोर टाइगर यहां आ जाएगा, कितना तो 5 मीटर। इसके बाद बिंदु भी बिंदु एस के दक्षिण की ओर 7 मीटर, कौन है बिंदु भी बिंदु एस के दक्षिण में, एस के दक्षिण में कितना 7 मीटर। अब है 23 नंबर सवाल, यदि कोई व्यक्ति बिंदु आ से पश्चिम की ओर सीधा रेखा में 8 मीटर चलता है, चलिए 8 मीटर चलिए हमको क्या दिखता है, तो वह सबसे पहले निम्नलिखित में से किस बिंदु को पार करेगा, इस बिंदु को पार करेगा, ऑप्शन बाबू 4 नंबर, कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से बिंदु सीधी रेखा में है, कौन सा बिंदु है जो कि सीधी रेखा में, देख लीजिए क्यू टी पी नहीं है, टी एस बी डी एस बी है, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा इसका कौन सा 4 नंबर, क्लियर आगे बढ़े मिटा दिया जाएगा है रहने दे। अभी
हटा दिया जाए। चलिए पच्चीस नंबर सवाल, चालीस बच्चों की कक्षा में टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, चालीस बच्चों की कक्षा में सुनेत्र का क्रम ऊपर से आठवां, एस्ट मतलब सुनेत्र ऊपर से आठवां, सुजीत सुनेत्र से पांच क्रम नीचे है, तो सुजीत जो है पांच क्रम नीचे है, इसका मतलब सुजीत हो गया कितने नंबर पर, सुजीत हो गया तेरहवें नंबर पर, एस यू से सुजीत। सुजीत का नीचे से क्या क्रम है, तो नीचे से क्रम क्या है, चालीस विद्यार्थियों की कक्षा में ऊपर से तेरह नीचे से अट्ठाईस माइनस एक बराबर चालीस हो गया, ठीक है ना जी। आंसर इसका क्या होगा, अट्ठाईस ऑप्शन तीन नंबर, इसको दिक्कत है जी, कोई बोला है फिर से नहीं बोला है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, चलिए आगे। 25 के बाद 26 नंबर सवाल में आइए, डिस्क्राइब टी ई एस टी आर आई पी और ई एफ सी जे एस टी टी एफ ई, क्या है इसमें, टी यही बनने वाला था सवाल, ई एफ बी सी आई जे आर एस सी डी, समझ में आ ही गया होगा, ठीक है आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नहीं है जी, ऑप्शन इतना नीचे कर दिया है, कौन आंसर आ रहा जी, एक नंबर आ रहा, एक नंबर आंसर होगा, चलिए लगता है हमारा टाइपिंग वाला गड़बड़ा। 27 नंबर सवाल देखिए, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, ठीक है, एक बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम ऊपर बाएं से 15 हो, नीता जो है बाएं से 15 है, यदि वह दाईं ओर चार स्थान आगे सरक जाए, दाईं ओर चार स्थान आगे सरक जाए, इसका मतलब वह बाएं से हो जाएगा 19 नंबर पर, तो वह दाएं सिरे से आठवें क्रम पर आ जाती है, आठवें क्रम पर आ जाती है, मतलब हो गया कितना 26 विद्यार्थी, पंक्ति में कितने बच्चे हैं, 19 और 8 27 माइनस 1 बराबर कितना 26, ऑप्शन दो नंबर, क्या बात, दिक्कत है, क्लियर है सबका, चलिए आगे बढ़िए। 28 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 28 में लिख रहा है, सभी कार पहिया है, पहिए हैं, कोई पहिया कुर्सी नहीं है, कुछ कुर्सियां स्पोक है, तो नंबर एक कुछ स्पोक कार है, स्पोक जो है बाबू वह कार है, सही कि गलत, गलत है, कुछ स्पोक पहिए हैं, स्पोक पहिया हो रहा है क्या, ये भी क्या हो गया, गलत है, पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष इसका गलत हुआ, उन्तीस में आइए, कुछ टेप ट्रंक ट्रंक है, कुछ टेप क्या है ट्रंक है, कुछ ट्रंक हॉल है, कुछ ट्रंक हॉल है, सभी हॉल डेस्क है, सभी हॉल डेस्क है, तो नंबर एक कुछ डेस्क टेप है, कुछ डेस्क जो बाबू और टेप है, सही की गलत, कुछ डेस्क ट्रंक है,
और कुछ देश को जो है वो ट्रंक है, सही की गलत? सही हो गया, तो पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही। आगे बता दे, तीस नंबर सवाल, कुछ किताब कुर्सी है, कुछ कुर्सियां तस्वीर है, कुछ तस्वीर पेंसिल है, तो कुछ पेंसिल किताब है, कुछ पेंसिल जो है बाबू का किताब है, सही की गलत? कुछ तस्वीर किताब है और कुछ तस्वीर जो है वह बाबू किताब है, गलत है कि सही? गलत। तो पहला भी गलत, दूसरा भी क्या गलत, ठीक है।